हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्टीम इंजन पे क्वेश्चन। स्टीम इंजन पे क्वेश्चन में ये बोला गया है इस क्वेश्चन में कि स्टीम इंजन के सिलेंडर में 12 बार पे या 12 बार पे ड्राई सेचुरेटेड स्टीम में एंटर होता है, और जो कि टरबाइन में जाने के बाद टरबाइन को या स्टीम इंजन को आइसेंट्रोपिकली एक्सपेंड करता है, जिसका उसमें प्रेशर होता है 0.81। द प्रेशर देन फॉल एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टू ए बैक प्रेशर ऑफ 0.3 bar, जिनसे कि ये जब ये एग्जॉस्ट होता है तो इसका प्रेशर तो कम हो जाता है, मतलब फॉल प्रेशर में फॉलिंग होती है बट वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहता है। तो कंपेयर करके बोला गया है कि जब इसके पहले वाले जैसे हमने नॉर्मली सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन, उसमें पी वी और टी एस हमने कैसे प्लॉट किया गया था, और ये मॉडिफाइड रैंकिन सर्किट में हम कैसे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे कि स्टीम टेबल की सहायता से पी वन 12 बार, और उसमें H1 देखेंगे कितना है, फिर S1 निकालेंगे, फिर P2 करेंगे। तो H1 27.82.5 और S1 आएगा 6.519, ठीक है। तो ये था 12 बार पे, और ये है 0.8 बार पे। तो 12 बार पे हमें जो एंथैल्पी मिल जाएगी, एंट्रोपी मिल जाएगी, फिर हम लोग 0.8 बार पे एंथैल्पी और एंट्रोपी सेम निकालेंगे। याद रहे कि इसमें हमें पी वी और टी एस दोनों ही डायग्राम शो करनी है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम स्टीम इंजन की सहायता लेंगे। तो जैसा कि इस फिगर में देखा गया है, ये जो हमारे सामने फिगर आई है, दोनों में डायग्राम हमने प्लॉट कर रखा है, पी वी और टी एस दोनों ही। तो सबसे पहले 391 ये जो है वो 0.8 बार पे हम देखेंगे, 0.8 बार पे 391.6 है, फिर HFG निकाल लेंगे, फिर इस स्टीम टेबल सब स्टीम टेबल की सहायता से हमने कर रखी है, फिर वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क डन में हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जैसा कि 1 to 2 दिखाया गया, एंट्रोपी दोनों में कांस्टेंट रहेगी, तो एंट्रोपी का वैल्यू रखेंगे। तो एंट्रोपी तो S1 S2 की सेम है, फिर SF2 रख देंगे, फिर H2 डायनामिक स्ट्रक्चर हमें निकालना है। एंथैल्पी की बात करते हैं तो एंथैल्पी 0.2 पे ऐसे रख देंगे दोनों का वैल्यू, और फाइनली H2 का वैल्यू आ जाएगा। फिर हम यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेंगे ड्राइनेस फ्रैक्शन का वैल्यू रख के, फिर वर्क डन की बात करते हैं। वर्क डन में क्या होता है कि ये H1 माइनस H2 प्लस में ये टरबाइन वर्क है, H1 माइनस H2 टरबाइन वर्क है, और ये पंप वर्क है, P2 माइनस PV और इंटू V2 वॉल्यूम, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे। फिर हीट सप्लाई की बात करें तो हीट सप्लाई, चूँकि थर्मल एफिशिएंसी निकालना है, और थर्मल एफिशिएंसी का हम लोग अच्छे जानते हैं वैल्यू क्या होता है, वर्क डन अपन हीट सप्लाई होता है। तो वर्क डन हमने पहले निकाल के आया, हीट सप्लाई H1 में H2 निकाल देंगे, जिसका वैल्यू आएगा 2493.3, और फाइनली हम इसको 546/2493 100 से वैल्यू निकालें 22%। जैसे कि इसमें हमने ग्राफ प्लॉट